से वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी, या अगर वोल्टेज मेरा जनरेटर नॉमिनल वोल्टेज 435 मैंने करके रखा है, फैक्ट्री का वोल्टेज ज़्यादा है, आपकी इधर वोल्टेज ज़्यादा है तो आपको इसको अपडाउन करना पड़ेगा। इधर एरर आ जाता है कि आपका वोल्टेज ओवर वोल्टेज है या अंडर वोल्टेज है, तो आपको वोल्टेज एडजस्ट करना पड़ेगा करंट। बाकी हमको जो नॉमिनल सेटिंग में डाले वही हम चेंज कर पाएंगे, हाँ, उधर से इनेबल करके उसमें डाला होगा। इंजन का भी पैरामीटर्स है, रनिंग डिटेक्शन, स्टार्ट सीक्वेंस वगैरह है, बिफोर क्रैंक है, आफ्टर क्रैंक, तो बेटर है इंजन वाला जो रहेगा ना वो बाकी का मॉडिफिकेशन। इंजन हम बेसिक सेटिंग करके देते हैं, बाकी का सेटिंग जिसका इंजन है वो करता है अपने हिसाब से, इंजन के हिसाब से इसका फिर सही है आपको देते हैं। नहीं ये तो है, इंजन का सेटिंग तो है, इंजन का सेटिंग है, जनरेटर का भी सेटिंग है, लेकिन वो कूल डाउन का नहीं है। हाँ, वो मुझे दिख नहीं रहा है टाइमिंग। हाँ, स्टार्ट सीक्वेंस, बैटरी प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, इंजन में आना चाहिए, जनरेटर में तो आएगा नहीं। एवीआर भी इससे, इसका एवीआर यूज नहीं कर रहा है, एवीआर उस पर इनबिल्ट है कि एवीआर दिया है, एवीआर पे हमने दिया हुआ है इसका। हाँ वो उधर एक एवीआर है, मतलब वो उसके साथ एक, हमने पूछा नहीं था बट वो जनरेटर के साथ देखा था, अटैच था, मतलब और इसके साथ पार्किंसन का खुद का कंट्रोलर रहेगा ना वो, उन्हें स्टैम्पोर्ड का था, स्टैम्पोर्ड का उसके जो ऑल्टरनेटर है ना, ऑल्टरनेटर के ऊपर ही एवीआर का एक कार्ड माउंट किया हुआ था। नहीं एवीआर का कार्ड वहाँ पे रहेगा, लेकिन आपको अगर लोडिंग ज़्यादा हो रहा है, लोड बढ़ गया, वोल्टेज कम हो गया, तो एवीआर को एयरपोर्ट यही देगा। ओके, इसको लोड का सेंसिंग दिया नहीं होगा ना आपने? नहीं, लोड का सेंसिंग उसको, लोड का सेंसिंग मतलब उसने एक सिटी भी यूज़ किया, लेकिन हाँ सिटी यूज़ किया है, उधर सिटी की, हाँ तो मीटरिंग सिटी है तो करेगा वो, हाँ मीटरिंग सिटी है, हाँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, मतलब वो की भी क्या है, ठीक है अभी वो उसको तो दिखाया था, या मतलब पावरिका वाले को बुलाया था, वो बोला अरे यारों में है तो उतना टेंशन नहीं है, बट वो दिखाया था। नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, एवीआर क्या करता है, इसको अगर वोल्टेज कम कर रहा है तो बंद करना, ये इसका ऑफ फेलियर होगा। अभी मैंने चालू रखा है ना डीजी का, तो 250 सेकंड कुछ रखा था, 250 सेकंड के बाद भी डीजी बंद नहीं हुआ तो वो स्टॉप फेलियर भी दिखाएगा डीजी का। ओके अच्छा, तब भी रनिंग है, रनिंग में दिखा रहा है ना, स्टॉप कर लेना और नो अलार्म होगी। अलार्म क्लियर करने के लिए यही बटन दबा देना है, अलार्म में जाने के लिए ये, अगर अलार्म कुछ आया है आपको स्क्रीन अगर आपका ब्लैंक हो गया तो दूसरा आ गया तो इधर प्रेस करना है और बाद में जो अलार्म देखेगा वो यहीं से क्लियर होगा।